तो दोस्तों इस टेरेनो AMT के मैंने पहले दो पार्ट पहले से ही डाले हुए हैं, ठीक है। इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। एंड नया क्लच सेट इसमें लग चुका है, ये सेंटर होता है इसका गाड़ी के। जब क्लच सेट पे ये आता है ना कंप्लीट क्लच, तो उसके साथ ही ये आता है ना। एंड ये देखिए ये प्रॉपर नया क्लच सेट है, एंड इनकी कुछ लिखा हुआ है इस पर, है ना। ये कंपनी होती है अलग, ये बनाती है इनको, ठीक है। तो इस पर लगा दिया है अभी, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्लच सिलेंडर भी इसका आ गया गाड़ी का। ये जो है देखिए बुरी तरह इसका ये लीक हो गया था, एंड इसी वजह से हो सकता है क्योंकि ये गियर चेंज नहीं कर पा रहा होगा, प्रेशर प्रॉपर नहीं बन रहा होगा इसमें, इसी वजह से गियर चेंज नहीं हो रहा था और गाड़ी बार बार आगे पीछे मूव होने में प्रॉब्लम हो रही थी। अभी इसमें करना क्या है, अगला स्टेप क्या है इसको लगाने के लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, इसको जब भी आप AMT गाड़ी पे काम करें ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन पे, तो ये जो स्लीव क्लच सिलेंडर जो है इसको आपको फुल भर लेना है क्लच ऑयल या ब्रेक फ्लूड जो होता है वो सेम ही होता है चलता है, इसको यहाँ तक फुल भर लेना है। जब इसको दबाएंगे ना हल्का सा तो यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, ये देखिए दिख रहा होगा आपको, तो ये फुल हो गया। अभी इसको यहाँ रख देना है, ठीक है। कभी कभी होता है क्या है, हम इसको लगा देते हैं, इसको हम लगा देते हैं खाली ही हो, तो क्लच ब्लीडिंग में ना टाइम लग जाता है, जो काम हमें 10 मिनट में करना था वो खाली इसको बिना इसको फिल करके, मतलब खाली इसको लगाने की बजाय, मतलब 10 मिनट में जो काम होना था उसको इसके अंदर ऑयल भरने के लिए, मतलब फ्लूड ब्लीडिंग करने के लिए टाइम लग जाता है, एक घंटा तक भी आ जाता है। तो वो टाइम खर्च ना हो इसलिए इसको पहले ही भर के कम्प्लीट कर दे रहे हैं। अब सीधा क्या करेंगे, हमारे पास जो फ्यूल है उसको इसमें लगाएंगे, पाइप को लगाने के बाद डायरेक्ट क्लच ब्लीडिंग करेंगे, एंड जल्दी से ब्लीडिंग गाड़ी की हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर फिक्स हो गया, यहाँ इसके दो बोल्ट लगेंगे, ठीक है ना, दो बोल्ट, एक इधर हो गया एक इधर हो गया, दोनों बोल्ट लग के कंप्लीट हो गया, एंड यहाँ पर ये लॉक लगा रहता है, ठीक है। तो अभी चलो अभी देखते हैं, अभी इसको गियर बॉक्स को वापस से फिट करवाता हूँ, ठीक है। दो वीडियो इसकी मैंने फर्स्ट सेकंड पार्ट डाले हुए हैं, पहले में फोल्ट दिखाया था, दूसरे में इसको खुलवाया था क्या क्या होता है AMT ट्रांसमिशन में, है ना। एंड अभी इसको फिक्स करते हैं प्रॉपर वापस से, फिर उसके बाद गाड़ी को चेक करेंगे कि ये बीबी वो कोड है कि नहीं है। अगर वो कोड आते हैं उसके लिए मैं आपको प्रॉपर वायरिंग वगैरह चेक करके दिखाऊँगा कहाँ पर एक्चुअल फोल्ट है, ठीक है दोस्तों। तो चलो अभी क्या है, गेयरबॉक्स इस पर वापस रख दिया है, रिलीज बैरिंग भरने के बाद उसमें ब्रेक फ्लूड, ठीक है। ये देखो इसका ये पार्ट नंबर होता है गेयरबॉक्स का TS4, एंड AMT 110 जो है गाड़ी है ये, इसका पार्ट नंबर TS4 है गेयरबॉक्स का। और जो नॉन 110 मतलब ऐसी होती है AMT से अलग नॉन मैनुअल ट्रांसमिशन, उसका पार्ट होता है TS4। यहाँ देखिए यहाँ ये सेंसर लगा हुआ है, यहाँ ये मतलब पूरी फिटिंग इसमें चलने लग गई है, एंड गेयरबॉक्स इसके ऊपर लगा दिया है, क्लच एक्चुएटर अपनी उसी जगह पर है, सब कुछ फिटिंग हो रही है। यहाँ पर देखिए ये एंगेजमेंट एक्चुएटर है, इस तरफ से दिख रहा है, सेल्फ वेल्फ सब लग गए हैं, ऊपर की फिटिंग भी है वहाँ पर, वहाँ बोल्ट लग गया वो सारा। अभी जब ये कंप्लीट हो जाएगा करने के बाद एक्सल वैक्सल यहाँ सब लग जाएंगे, दिखाता हूँ एक एक करके। तो अभी ये TCU लगाएंगे, इसके दोनों कनेक्टर ये निकले हुए हैं, ठीक है, पूरा माउंटिंग वाउंटिंग लगा के लड़के ने कम्प्लीट कर दिया, सारे कनेक्टर वगैरह लग गए। अभी यहाँ पर इसका TCU लगेगा, ट्रांस एक्सल कंट्रोल मॉड्यूल, पहले इसको लगा बेटा वहाँ लगा, तो ये इस तरीके से लगता है, मैंने जब खोला था तो उस टाइम भी बताया था, है ना। एक नट यहाँ पर, हाथ हटा बेटा हाथ हटा, हाथ हटा ले तो, एक यहाँ पर और एक आगे की तरफ लगता हो रहा, तो तीनों बोल्ट टाइट हो जाएंगे, फिर ये कनेक्टर लग जाएंगे, लगवा देता हूँ, है ना। एंड मैं पहले ही एक बात बताना चाह रहा हूँ, टेक्नीशियंस भाई को अगर ये लगे कि मैंने ये स्टेप छोड़ दिया है तो मुझे बताइए, क्योंकि मैंने स्किप किया है जानबूझ के, आपको बताना है कि मैंने कहाँ पर क्या चीज़ छोड़ी है। तो चलो देखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट डालना फ्रेंड्स। तो अभी लगाएंगे इसका कनेक्टर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, दोनों देखिए छोटे बड़े हैं, ये बड़ा वाला है और ये छोटा है, बड़ा वाला इसमें लगेगा, पहले नीचे लगा देंगे, ठीक है ना। यहाँ से ये इसके कनेक्टर के अंदर आना चाहिए प्रॉपर फिक्स, तो ये ऐसे बैठता है, और बैठने के बाद इसको हमें पीछे की तरफ प्रेस करना है, ठीक है। ये लॉक इसके अंदर फंस जाते हैं, एंड लगा दो फिक्स हो गया। ऐसे हमें ये ऊपर वाला करना है, पर ये ऊपर वाला टूटा हुआ है पहले से ही, तो इसको लगा के ऐसे ही अंदर की तरफ पूरा प्रेस करना है दबा के,
ठीक है, जो ये ना निकले। फिर इसके ऊपर ऊपर से क्लिप विलिप लगा देंगे तार वार। चलो करेक्टर भी लग गया, फिर नट वट इसके टाइट कर देते हैं, ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों पूरा कंप्लीट ये हो चुका है, देखिए टीसीयू वीसीयू लग के अच्छे से इसको कंप्लीट कर दिया है ना, एंड ये सारे एक्सल वैक्सल लगा के बढ़िया से इसको फिक्स कर दिया है। और यहाँ पे माउंटिंग होती है, यहाँ से इसका गियर ऑयल ड्रेन होता है, ठीक है, एंड पीछे से ऊपर की साइड से वो दिखेगा नहीं, मैंने वो दिखा देता आपको कहाँ से इसके अंदर गियर ऑयल जो है वो फिल होता है, ठीक है। तो अभी सारा कंप्लीट हो गया, इधर से भी देखिए बोल्ट होते हैं ये, है ना, 1 2 3 4 यहाँ से क्लियर फिटिंग दिखेगी, ठीक है, ये रहा बोल्ट, है ना, ये एक्सल राइट हैंड साइड का यहाँ तक आता है, ये पूरी फिटिंग हो गई है। और ये क्रॉस मेंबर पूरा खुला हुआ था इसका, तो ये भी लग गया है अभी इस पर, एंड अभी गाड़ी डाउन करके मैं आपको ऊपर भी दिखाता हूँ क्या क्या इस पर फिटिंग रह रही है अभी। तो गाड़ी डाउन कर ली है, ठीक है, डाउन करने के बाद ये बैटरी वैटरी वगैरह सब लगा दिए हैं, ये देखिए पूरा सब कुछ कंप्लीटेड है, बस एयर फिल्टर खोला हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए ECM यहाँ लगा रहता है, मैंने दिखाया था ना आपको, है ना, ये क्लच एक्चुएटर वगैरह है, एंड इसका ब्रेक का जो पाइप है ये ब्रेक ब्लीडिंग वाला, ठीक है, ये अभी इसमें लगा दिया है। अभी स्टार्ट करके एक बार देखना है कि गाड़ी स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। डालने से पहले मैंने क्लच एक्चुएटर का ये कनेक्टर जो है ये भी फिक्स करवा दिया था प्रॉपर, ठीक है, अभी तो ये फिक्स है, अभी देखते हैं इसका अगर कोई कोड वोड आता है तो इसको भी ठीक करेंगे, ठीक है ना, बट ये अभी निकल नहीं रहा, अभी तो निकल नहीं रहा है। मैं फिर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया नहीं है इसको निकालते कैसे हैं। तो यहाँ देखिए आपको ये देख रहे हो, इसका सेंटर नहीं है, ये अंदर है और ये थोड़ा सा आगे की तरफ है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे आगे की तरफ दबाना है, ऐसे, ये देख रहे हो, इसको हम अगर ऐसे दबाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा निकल के, ये ऐसे, है ना, तो ये भी, और ऐसे ही ये लगेगा, इसको हमें ऐसे दबा के रखना है और इसके अंदर हमें फिक्स करना है पूरा, ठीक है, फिर ये निकल जाएगा अगर सही से नहीं लगाया तो, ठीक है। अभी इसको ऐसे करके इसको इसमें फिक्स करना है, जैसे ये फिक्स होगा तो ये बाहर नहीं आएगा, कितना भी आप इसमें ताकत लगा लो, इसको ऐसे ही हमें आगे करके ऊपर उठाना है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से रहता है, एंड यहाँ होने के बाद एक येलो कलर का लो कोर लगता है इस पर, वो लगा देंगे बाद में। एंड अभी एक बार देख लेते हैं गाड़ी स्टार्ट करके, ठीक है, फिर इसके बाद इसकी ब्लीडिंग वगैरह करेंगे, चला के देखेंगे, एंड उसके अंदर कोई कोड है कि नहीं है वो भी चेक करेंगे। पर अभी के लिए मैं इतना ही, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप दिखाता रहूँगा, है ना, अभी स्टार्ट करते हैं गाड़ी ज़रा अंदर बैठ के, क्योंकि यार इसका क्लच ब्लीडिंग का जो प्रोसेस है वो इतना ख़तरनाक है, मतलब बहुत ही पेचीदा है, अगर हल्की फुल्की चीज़ मिस हो गई तो दोबारा से पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी देखो 197,000 चल गई है गाड़ी, इग्निशन करते हैं ऑन, है ना, एंड ठीक है, अभी ये लाइट है यहाँ पर, इसका मतलब कोई ना कोई इसमें कोड है, पर देखते हैं गाड़ी स्टार्ट करके। बट एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई है, क्लच बैरिंग जब हमने डाला था, डाल दिया है एक्चुअली, बट उससे पहले यहाँ जो ये पोजिशन दिखा रहा है न्यूट्रल, ठीक है, अभी मैं फर्स्ट गियर में डाल दिया, यानी डी मूड में कर दिया है, तो एक दिखा रहा है ना, एंड यहाँ देखिए मैं रिवर्स में कर रहा हूँ तो यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ब्रेक पैडल दबाया तो काम करने लग गया, एक जगह रुक गया, अभी मैं कहीं और चेंज करूँगा तो ये देखो ऐसे करता रहेगा। अभी मैं ब्रेक पैडल दबाऊँगा, ये देखिए ब्रेक पैडल दबा दिया, ठीक है, ये फिर से दबा दिया तो अभी ये रुक गया एक ही जगह पर। अभी ब्रेक पैडल दबा के रखा हुआ है, कोई चीज़ चेंज करूँगा तो ये परमानेंट ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अभी पैडल से पैर हटा दिया, वो देखिए वो सिंबल आना स्टार्ट हो गया पैडल दबाने का। तो अभी स्टार्ट करके देखते हैं, ठीक है, ये अभी पार्किंग पे करने के लिए बोल रहा है, यानी न्यूट्रल पे, ठीक है, हमने इसको न्यूट्रल पे कर लिया है। अभी करते हैं गाड़ी को स्टार्ट, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये हो गई है गाड़ी स्टार्ट, ठीक है, एंड फर्स्ट गियर गाड़ी मूव हो रही है पीछे आगे की तरफ एक्चुअली, ठीक है, और रिवर्स भी करते हैं, ठीक है। तो अभी रिवर्स में हल्का सा ये दिखा रहा है, इसको करेंगे कोर वोर से जो भी है, ठीक है, पैडल प्रॉपर नहीं दब रहा ना, इस वजह से दिक्कत कर रहा है। तो अभी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, सिर्फ ये लाइट रह गई है, इसका भी चेक करेंगे क्या है। तो अभी के लिए इतना ही, पहले इसमें करेंगे क्लच ब्लीडिंग, क्योंकि अभी फ्रेंड्स इसकी क्लच ब्लीडिंग
नहीं हुई है, इस वजह से ये थोड़ा सा गियर एंगेजमेंट जो है कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है, गियर में है गाड़ी की नहीं है, क्योंकि ब्लीडिंग प्रॉपर नहीं हो रही, प्रेशर प्लेट दब नहीं रहा एक्चुअली, है ना। तो अभी इसकी क्लच ब्लीडिंग भी करेंगे एंड उसके बाद अगले स्टेप अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगा। एंड टेक्नीशियंस भाई से मेरी एक गुजारिश है, कहीं भी कोई आपको कमी दिखे या मुझे आपको लगे कि मैंने ये स्टेप छोड़ दिया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है।